Everyone, how are you? Hope all of you are fit and fine. Today we will do class 2 English NCRT lesson curly looks and the three peers. We will do in the English explanation, question answer, word meaning, and textbook exercise of this lesson. Let's start. First of all, we will do target learning outcomes.

ये कहानी करले लॉक्स नाम की एक लड़की के बारे में है एक दिन वह अपने घर के निकट एक जंगल में गई वहाँ उसने एक छोटी सी कुटिया देखी वह कुटिया के अंदर गई कुटिया में एक भालू के परिवार की थी उस समय वहाँ कोई नहीं था उसने मेज़ पर तीन कटोरों में रखा दलिया देखा सभी कटोरे अलग अलग आकार के थे उसने सभी का स्वाद चखा किंतु उसे छोटे कटोरे में रखा दलिया ही पसंद आया क्योंकि वो ना ज़्यादा गर्म था ना ज़्यादा ठंडा था और उसने उसे खत्म कर दिया अब वह शयन कक्ष में गई क्योंकि अब उसका पेट भर गया था उसे नींद आ रही थी और थकी हुई थी वह वो शयन कक्ष में चली गई वहाँ उसने विभिन्न आकार वाले तीन बिस्तर देखे बड़ा बिस्तर बहुत ज्यादा हार्ड था ममा बियर का बिस्तर थोड़ा सॉफ्ट था और लेकिन छोटा बिस्तर बिल्कुल सही था वह उस छोटे बिस्तर पर सो गई अचानक भालू का परिवार अपनी कुटिया में आ गया सभी ने पाया कि किसी ने उनके खाने तथा बिस्तर को छेड़ा है जब उन्होंने देखा कि एक लड़की छोटे बिस्तर पर सो रही है तो वे आश्चर्यचकित रह गए कर्ली लॉक्स जो जागी और भयभीत हो गई और तेजी से वहाँ से भाग गई इस समरी इन इंग्लिश दिस इज द स्टोरी अबाउट अ गर्ल नेम करली लॉक्स वन डे शवेंट इन टू ए फॉरेस्ट नियर हर हाउस There she saw a small cottage. She went into the cottage. It was a cottage of a beer family. Nobody was there at that time. There she saw three bowls of porridge on the table. All the bowls are of different sizes. She tasted all but finished the tiny one. When she went into the bedroom, she saw the beds of three different sizes. She slept on the tiny one. Suddenly, the bear family returned to their cottage. They all found that their food and bed touched by somebody. They were surprised to see a girl sleeping on the tiny bed. Curly Locks woke up shocked and ran away rapidly. Now, we will do the exercise of this lesson. Let's read. माई सिस्टर्स हेयर इज सॉफ़्ट एंड करली मेरी सिस्टर के हेयर क्या हैं सॉफ्ट एंड करली हैं ठीक है क्या है सॉफ्ट एंड करली हैं यहाँ पर जो है सॉफ्ट क्या हुआ नरम हो गया करली क्या हुआ मुड़े हुए घुंघराले ले वेन आई एम हंगरी एच यू एन जी आर वाई हंगरी मीन्स भूखा आई ईट ए लोट मैं बहुत ज़्यादा खाना खा लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में, में, क्वेश्चन में कौन रहता था आंसर बियर फैमिली भालू का परिवार वट डिड करली लोग सी ऑन द टेबल करली लोग्स ने टेबल पर क्या देखा आंसर करली लॉक्स सा थ्री बाउल ऑफ पॉरीज ऑन द टेबल उसने टेबल पर खीर के तीन बाउल्स देखे वाइट इट शी एट अप आलदा पोरी फ्राम बेबी बियर फा बाउल उसने बेबी बियर के बाउल से खीर क्यों खा ली इट वॉज जस्ट ट्राइड टू ईट क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा गर्म था ना बहुत ज्यादा ठंडा था उसके खाने के लिए बिल्कुल ठीक था तो इसी लिए उसने उसे खा लिया हुए लोग स्लीप इन एंड वाई यस yes, बच्चों कौन, वो कौन से बेड पर सोई थी और क्यों सोई थी वेरी गुड वो किस पर सोई थी टाइनी बियर के बेड पर सोई थी क्योंकि वो ना ज़्यादा नरम था और ना ज़्यादा सख्त था कर्ली लॉक्स फेल अ स्लीप इन द टाइनी लिटल बेड बिकॉज इट वॉज जस्ट ट्राई टू स्लीप हैव यू एवर सीन ए फॉरेस्ट वट डिड यू सी देयर बच्चों क्या तुमने जंगल को देखा है तुमने वहाँ पर क्या देखा येस आई हैव सीन फॉरेस्ट एनिमल्स ट्रीज एट्सट्रा इन द फॉरेस्ट देयर इज़ ए प्लेट ऑफ स्वीट्स लाइंग ऑन द टेबल यू वॉन्ट टू ईट सम स्वीट्स वट डिड यू टू आंसर आई विल आस्क माई मदर और माई एनी एल्डर इन हाउस टू टेक सम स्वीट्स फ्रॉम द टेबल अगर आप प्लेट में कुछ स्वीट्स देखो टेबल पर रखी हुई और आप खाना चाहते हो तो आप क्या करोगे मैं अपनी मम्मी को या घर में किसी बड़े को पूछूंगा उन स्वीट्स को खाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम ए बाउल वट डू यू कॉल ए बाउल इन यूर लैंग्वेज कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो आप बाउल में खाते हो आपकी अपनी भाषा में बाउल को क्या कहते हैं काफ़ी सारी चीज़ें खाते हो ना बच्चों आप यस वेरी गुड आई ईट दाल खीर तलिया सूप एटसेट्रा इन ए बाउल आई कॉल इट कटोरी इन हिंदी लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज में हम इसे क्या बोलते हैं कटोरी वेरी गुड नेक्स्ट है लेट्स एक्ट ठीक है प्रटेंड आपको जो है सोचना है कि आप कर ली लॉक्स हो अपने फ्रेंड्स को बताना है क्या क्या हुआ ठीक है और आपको इस स्टोरी को क्या करना है सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में बताना है फिर इंग्लिश में बताना है और उसके बाद आपने कैसे स्टार्ट करना है आई एम कर ली लॉक्स आई हैव कर ली हेर्स वन डे आई वेंट टू द फॉरेस्ट आई साई कॉटेज इस तरह से आपने बताना है द बीअर फैमिली पापा बियर ये पापा बियर हैं ममा बियर बेबी बियर ठीक है ब्रिंग पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स जैसे उन्होंने ये पिक्चर्स लगाई हैं आपको फैमिली ट्री बनाना है टेक सम चार्ट पेपर आपको एक चार्ट पेपर लेना है राइट ऑन इट माई फैमिली उसके ऊपर क्या लिखना है माई फैमिली स्टिक पिक्चर्स ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स हमने फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर वहाँ पे स्टिक करनी है और लिखने उनके नेम लिखने हैं और उनके साथ क्या लगाना है मिस्टर एंड मिसेज जो बॉय होगा लड़कों बच्चों उसके साथ मिस्टर लगेगा और जो लड़की होंगे गर्ल्स होंगी या मम्मी होगी लेडीज़ होगी उनके साथ मिसेज लगेगा ठीक है राइट दिस इज़ मी ठीक है जहाँ आप अपनी पिक्चर लगाओगे उसके साथ क्या लिखोगे ये मैं हूँ जैसे मम्मा हुई मिसिस दादी हुई मिसेज आंटी हुई मिसिस पापा हुए मिस्टर चाचा हुए मिस्टर दादू हुए मिस्टर नानू हुए मिस्टर ठीक है उनके पिक्चर लगाते जाओ उनका नाम मिस्टर और मिसेस करके लिखते चले जाओ नेक्स्ट इज द वर्ड करली एंड हंगरी अस अबाउट करली लॉक्स करली और हंगरी हमें करली लॉक्स के बारे में बताता है उसके बाल घुगराले थे उसको भूख लगी थी ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है बच्चों डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी के बारे में कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द बीयर्स एंड फॉर्म दैम इन टू सेंटेंसेस ऑफ यूर ओन कुछ और हमें जो हैं वर्ड्स बताने हैं जो डिस्क्राइब करते हों फट इज़ बिग ठीक है माई हाउस इज़ वेरी बिग मेरा घर क्या है बहुत बड़ा है ठीक है यहाँ पर हमने यूज़ किया इसका सेंटेंस में स्ट्रोंग ही हैज़ ए स्ट्रोंग टीथ उसके क्या है दांत स्ट्रोंग हैं फैट पंकज इज़ वेरी फैट बॉय लेज़ी रीटा इज़ वेरी लेजी गर्ल ब्लैक आई लव माई ब्लैक शर्ट हेयरी द बियर इज़ वेरी हेयरी हैवी द बैग इज़ हैवी ग्रफ वाइज द मैन हैज़ गोट ग्रफ वाइज मूडी माई अंकल इज़ वेरी मूडी नोटी ही इज़ वेरी नोटी बॉय ठीक है इस तरह से हमें क्या करना है इनको डिस्क्राइब करना है ठीक है इस तरह से हम इन्हें डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट इज राइट फाइव लाइन्स ऑन माई फैमिली अब हमें क्या करना है फाइव लाइन लाइन्स लिखनी है अपनी फैमिली के बारे में ठीक है जो आपकी फैमिली है पापा है मम्मा है बच्चे हैं उन सब के बारे में आपने फाइव लाइन्स लिखनी है तो फाइव लाइन्स जो है हम किस तरह से लिखेंगे आई हैव ए फैमिली माई फैमिली इज स्मॉल एस एम ए डबल एल ठीक है माई फैमिली इज क्या लिखेंगे हम स्मॉल यहाँ पे एक एल हो रहेगा बच्चों वी हेल्प ईच अदर हम एक दूसरे की सहायता करते हैं वी रिस्पेक्ट अदर हम एक दूसरे का आदर करते हैं आई लव माई फैमिली मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ नेक्स्ट इज लेट्स लिसन एंड एन्जॉय अ सेलर वेंट टू सी 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 एक सेलर जो है कहाँ गया समुद्र में गया ठीक है टू सी वट ही कुड सी यह देखने के लिए कि वो क्या देख सकता है बट ऑल दैट ही कुड सी 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 लेकिन वो वहाँ पर देखता रहा वाज द बॉटम ऑफ द डीप ब्लू सी 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 देखिए हम इसे भी सी बोल रहे हैं और इसे भी सी बोल रहे हैं लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या है एस ई ए और दिस इज एस डबल ई -E -E, ठीक है तो स्पैलिंग तो अलग अलग है ये सेलर है ये सेलर है सेलर देख रहा है देखो ठीक है ये शिप के अंदर है समुद्र में देख रहा है समुद्र में उसे क्या बस देखता ही जा रहा है मेक सेंटें विद सी एंड सी टेल एंड टेल ठीक है टेल एंड टेल टी ए आई एल टेल पूछ टी ए एल ई टेल स्टोरीज एस सी ए सी समुद्र एस डबल ई सी देखना ठीक है हम इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग हैं सी फर्स्ट हमने देखा एस ई ए सी द शिप इज सेलिंग इन द सी शिप कहाँ पे सेल कर रहा है ठीक है समुद्र में सेल कर रहा है यहाँ पे हम लिखेंगे इन इन द सी सी एस डबल ई सी आई कैन नोट सी द बॉल क्लियरली मैं जो है बॉल को अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ टेल टी ए आई एल टेल हिस टेल इज़ वेरी लॉन्ग उसकी टेल क्या है बहुत ज़्यादा पूँछ बहुत ज़्यादा बड़ी है नेक्स्ट इज टेल टेल मीन्स स्टोरी ठीक है माई फादर टोल्ड मी द इंटरेस्टिंग टेल ठीक है मुझे स्टोरी बताई उन्होंने ठीक फर्स्ट सी समुद्र सेकंड सी देखना थर्ड सी पूछ फोर्थ सी फोर्थ स्टोरी कहानी ठीक है नेक्स्ट इज द बियर फैमिली वेंट फॉर ए वॉक बिफोर डिनर सम बॉडी केम इन लुक एट वट दे डिड ये देखो यहाँ पे पिक्चर है हमारे पास ठीक है वो जो है बियर फैमिली कहाँ गई है वॉक के लिए गई है डिनर से पहले उन्होंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है प्लेट रखी हुई है प्लेट में देखो सामान है उनका डियर डिनर जो है फ्रूट्स हैं ठीक है मिल्क है सारी चीज़ें यहाँ पर एक कैट है ठीक है यहाँ पर एक क्या है फ्लावर है चेयर्स हैं टेबल है ठीक है बहुत सारी चीज़ें हैं डिनर की पूरी तैयारी करके वो गए हैं राइट अबाउट ऑल द थिंग्स केप्ट इन द रोंग प्लेसेज ए बोल डैश पापा बियर्स प्लेट पापा बियर की प्लेट में यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पापा बियर की प्लेट में ओन पापा बियर की प्लेट में यहाँ पर क्या वर्ड आएगा ओन ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखो ए फ्लावर डैश मम्मा बियर्स प्लेट मम्मा बियर की प्लेट ये देखो मम्मा बियर की प्लेट में क्या है ठीक है मम्मा बियर की प्लेट में क्या आएगा ओन ठीक है उसके बाद ए प्लांट बे एट बेबी बियर्स चेयर बेबी बियर की चेयर के नीचे क्या है एक प्लांट रखा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे अंडर ठीक है ये देखिए नीचे है नीचे की तरफ है तो हम क्या लिखेंगे अंडर ठीक है वट एस डू यू सी इन दिक्चर और पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है आई सी ए राउंड टेबल विथ थ्री चेयर एक राउंड टेबल दिख रही है इसके साथ टेबल वन चेयर वन चेयर टू चेयर थ्री ठीक है एंड दिस इज टेबल आई ऑल्सो सी ए ग्लास एक ग्लास हमें दिखाई दे रहा है जग जग हमें दिखाई दे रहा है ये वाला अ कैट ये कैट हमें दिखाई दे रही है और एक रेट हमें दिखाई दे रहा है ठीक है ये सब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सब हमने यहाँ पर लिख दिए उसके बाद इवेलुएशन थिंक एंड राइट मिस्टर एंड मिसेज आपको इनके साथ फिलअप में क्या लिखना है मिस्टर एंड मिसेज जो भी बॉयज बॉयज हैं जेंट्स हैं मेल हैं उन्हें हम क्या देंगे मिस्टर लिखेंगे जो भी गर्ल्स हैं ठीक है उनको हम क्या लिखेंगे लेडीज़ हैं फीमेल हैं मिसिस लिखेंगे मिस्टर राम मिसिस सीता मिसिस चंचल मिस्टर दिव्या कुमार मिसिस दिव्या कुमारी मिस्टर हरीश सिंह ठीक है थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस डे इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब श्रीजा एजुकेटर्स बाय बाय ए नाइस डे